लोकसभा चुनाव बीतने के बाद इंदौर में आरएसएस के संपर्क विभाग की एक अलग बैठक आयोजित की जा रही है। बता दें यह पूरी बैठक काफी बड़ी बैठक है और चार दिन तक यह बैठक आयोजित की जाएगी। इस समय हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर संपर्क विभाग की बैठक आयोजित होनी है और अंदर अभी फिलहाल एक छोटी जो टोली है उसकी बैठक की जा रही है। यह निर्वाणा का एचआर ग्रीन होटल है, यहीं पर आरएसटी स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग की टोली की बैठक आयोजित की जा रही है। कल से इसमें बड़े पदाधिकारी जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं उनकी बैठक यहां पर आयोजित होगी। फिलहाल अभी छोटी टोली की बैठक आयोजित यहां पर हो रही है। संपर्क विभाग का आरएसएस में अपना एक अलग मुकाम है। संपर्क विभाग ही आरएसएस का प्रमुख चेहरा है जो लोगों के बीच में अलग अलग मुद्दों को लेकर जाता है और समाज के विभिन्न लोगों के बीच संपर्क विभाग के कार्यकर्ता ही जाते हैं और उन्हें आरएसएस के बारे में जानकारी देते हैं और आरएसएस से जो प्रमुख जन या समाज के जो अलग अलग लोग हैं उन्हें जोड़ने का काम भी संपर्क विभाग के कार्यकर्ताओं का ही होता है। इस बैठक की काफी अहम जिम्मेदारी होती है और इस बैठक में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और उन कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल बैठक के बाद किस तरह से आरएसएस आने वाले दिनों में जानकारी देता है यह देखने लायक रहेगा, लेकिन इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इंदौर से टीवी9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।